बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरे सभी कबूतर परवर दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त निज बट्टू, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके फिर से हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पिजन्स लवर पाक पतन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आजकल जेट का सीज़न है, ऑल ओवर द पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में कबूतर परवरी के टूर्नामेंट्स उड़ रहे हैं। तो काफ़ी दोस्तों का सवाल था, कॉल्स पर भी काफ़ी लोगों ने पूछा कि हमें कबूतर परवरी के मुतल्लिक कोई नुस्खा बताएं, कोई प्रवाजी नुस्खा बताएं, प्रवाजी गोली बताएं जिससे हमारे कबूतर अच्छा टाइम करके बैठें। तो फ्रेंड्स, जो नए कबूतर परवर हजरात हैं उनके लिए मैं आज एक नुस्खा लेके आया हूँ, प्रवाजी मजून लेके आया हूँ फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको उसका नुस्खा बताऊँगा जिसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और इतना इसका अच्छा रिज़ल्ट है फ्रेंड्स, ये मेरा आजमुदा नुस्खा है, मैंने खुद आजमाया, एक उस्ताद ने मुझे बताया था इसके बारे में। तो पहले मैंने अपने कबूतरों पे अप्लाई किया और बहुत से लोगों के कबूतरों पे मैंने अप्लाई किया और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है फ्रेंड्स। एक तो कबूतर की वापसी इसमें कंफर्म है कि कबूतर घर वापस आता है और उसकी वापसी कंफर्म होती है, कबूतर कट नहीं होता और अच्छी प्रवास करके वापस आता है और अपने पाँव पर खड़ा होता है कबूतर। ये नहीं कि कबूतर उड़ के आया और जी आके गिर गया और कबूतर को होश ही नहीं होती कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, ऐसे कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये देसी प्लस मेडिसिन है लेकिन बहुत अच्छा नुस्खा है, क्योंकि जो नए कबूतर परवर हजरात हैं वो जो देसी गोलियाँ जो होती हैं उस्तादों की बनाई उसको फोर्ड नहीं कर सकते, उस्तादों के हाथों बहुत से नए कबूतर परवर हजरात ब्लैकमेल होते रहते हैं, उस्ताद बड़ी महंगी महंगी उनको देसी गोलियाँ देते हैं और उनको बनाने के लिए टाइम भी काफ़ी लगता है, उनका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है लेकिन नए कबूतर परवर जो हजरात हैं वो उनको फोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो मैं आपको ये नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से बनता है और इसका बहुत ही इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप भाइयों का बिल्कुल ज़रूर फ़ायदा होगा और आप सभी भाई जो इसको इस्तेमाल करेंगे मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे इस नुस्खे के इस्तेमाल करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तफसीलात की तरफ चलते हैं। वीडियो की तफसीलात की तरफ जाने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन के बटन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस सबसे पहले उन तक पहुंचे। जी फ्रेंड्स, चीज़ें नोट कर लें जो इस प्रवाजी मजून के लिए आपको चाहिए होंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चाहिए कॉल लोडे 3 माशे, तबाशीर 3 माशे, छोटी इलायची जिसको हम सब्ज़ इलायची बोलते हैं ये भी आपने 3 माशे लेनी है और साथ आपने लेनी है फ्रेंड्स मोटी वाल की 10 टैबलेट। इन चारों चीज़ों को आपने किसी खरल में अच्छी तरह इसको पीसना है, इसका पाउडर बनाना है, इसको आपने बहुत ज़्यादा इसका जो इसको कूट कर इसका बारीक पाउडर बना लेना है फ्रेंड्स। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो तबाशीर होती है ये बहुत मुश्किल से कूटती है, इसके ज़रात बाकी रह जाते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले इसको कूटना है ताकि इसके ज़रात ना रहें, क्योंकि जब तक ये मुकम्मल नहीं कूटी जाएगी तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगी। इसका बिल्कुल आपने बारीक पाउडर बनाना है और इसको अच्छी तरह इन चार चीज़ों को मिक्स करके इनका पाउडर बना लेना है फ्रेंड्स। जब ये पाउडर बन जाए तो फिर आपने एक दवाल मिक्स की डब्बी लेनी है, पूरी डब्बी इस्तेमाल करनी है दवाल मिक्स की, उसमें इन चार चीज़ों को आपने डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है, खूब इसको एक जान करके मिक्स कर लेना है आपने फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को दवाल मिक्स में डाल के। और जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए, बिल्कुल आपको सली हो जाए कि अब आपने इसको ये बिल्कुल एक जान सब चीज़ें हो गई अच्छी तरह बीच में मिक्स हो गई हैं, तो ये आपके पास मजून तैयार हो जाएगी। अब जिस कबूतर को आपने ये लगानी है, अगर आपका वो कबूतर ज़्यादा उड़ता है, पहले प्रवाजें ज़्यादा दे रहा है, तो उसको आपने रात को 10 बजे लगानी है, शाम को मगरब के टाइम कबूतर गर्म करना है। कबूतर गर्म करने की जो वीडियो वो पहले मेरी आ चुकी है तो उसका जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन भाइयों ने नहीं देखी हुई तो उस वीडियो को भी देख लें, जो कबूतर को आपने किस तरह गर्म करना है। शाम के मगरब के बाद कबूतर को गर्म करना है 2 घंटे, उनको बंद खुड्डे में छोड़ देना हवा ना लगे। उसके बाद रात को 10 बजे जो आपके कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं, अच्छी पहले प्रवास दे रहे हैं, उनको रात को 10 बजे गोली देनी है, आपने काली मिर्च के दाने के बराबर देनी है, आपने इससे ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स आपने देनी, और इंशाल्लाह ताला कबूतर आपकी लंबी छलांग लगा के बैठेंगे। और जो कबूतर पहले ही अच्छे उड़ रहे हैं उनको रात को 10 बजे देनी है, और जो कबूतर आपके कम उड़ते हैं मतलब 3 से 4 घंटे उड़ते हैं उनको आपने शाम को मगरब के टाइम गर्म करना है, और सुबह जब कबूतर आपने पलटाना है, साफ़ करना है पोर्ट उसका साफ़ करना है, उसके बाद उड़ाने से आधा घंटा पहले आपने कबूतर को इतनी ही काली मिर्च के दाने के बराबर ये इसमें मजून में से गोली दे देनी है कबूतर को, और ऊपर से जितना पानी आप उठवा रहे हैं कबूतर को उतना पानी दे देना है, और
आधे घंटे बाद कबूतर को उड़ा देना है और इंशाल्लाह ताला वो कबूतर लंबी छलांग लगा के बैठेगा, अच्छी परवाज़ देगा और घर वापस आएगा कबूतर, और कबूतर बिल्कुल अपने पाँव पर आकर बैठेगा। और फ्रेंड्स, अगर कोई कबूतर उड़ के आता है आपका और उसका कोई कबूतर गर्मी महसूस करता है या नीचे से काला हो जाता है, सीने की हड्डी काली हो जाती है, तो उसके मुतल्लिक वीडियो भी मैंने पहले बना रखी है और अपने YouTube चैनल पर लगाई हुई है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी, वो ये भी वीडियो देख के कबूतर को अगर उनका बाजी के बाद इस गोली के बाद अगर नीचे से काला हो जाता है तो वो उसको वो पानी बना के दें और कबूतर उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त नवीद भट्टू को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।